नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। ये वो मंच है जहां हम सत्य को तलाशने की कोशिश करते हैं, खबरों की परत दर परत उधेड़ते हैं और सच आप तक पहुंचाते हैं। हमें देखें YouTube पर, हमें देखें Facebook पर, हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि देश में मोदी सरकार 2 का पहला आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट पे बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस बजट में नया क्या है, वो कौन से नए आइडियाज़ हैं जिससे जनता का लाभ होगा, कौन से नए आइडियाज़ हैं जिससे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में देश का हित होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। और जो नए आइडिया हैं उसमें है पावर ग्रिड की तरह गैस और पानी का भी ग्रिड बनेगा और 2024 तक गांव के हर घर में जल की आपूर्ति होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। अरुण पांडे जी से हम इस पर चर्चा करेंगे। जो प्लेट में अभी हमने देखा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान है इस काम को पूरा करना? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस काम को अहम माना गया है, मतलब इसको प्रोसेस में लाया जाएगा, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। इस बजट में तो ज़्यादा कुछ लोगों के लिए नए आइडिया नहीं है, जो क्रांतिकारी जिन आइडिया की अपन हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ नए आइडिया हैं जो इनिशिएट किए जाएंगे तो ये आगे चल के फ़ायदा देंगे। तो एक तो ये पानी का ग्रिड जो बनाने को कहा गया है, तो उनका मकसद ये है कि जैसे बिजली और गैस, बिजली का ग्रिड होता है, गैस और पानी का भी वैसे ही बनाया जाएगा कि जहाँ जिसकी अधिकता है और जिसके पास कमी पड़े वो उस ग्रिड से ले सके, जैसे बिजली के साथ स्टोर वाला। तो बिजली पानी वाले में भी है कि मान लीजिए जो ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे असम है, आपका बिहार है, यहाँ पर अगर पानी ज़्यादा है तो बाकी इलाके जहाँ पानी कम है वहाँ पर वो लोग पानी ले सके। हाँ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा, ये कैसे आएगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो आइडिया के तौर पर ये अच्छा है, नया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके ये कैसे इसको ले जाएंगे और कितना पैसा अलॉट करेंगे इसको लेके इशू रहेंगे, लेकिन आइडिया के तौर पर हम देखें तो इसको बोलेंगे कि ये नया आइडिया इस बजट का। नया आइडिया है, बहुत शानदार आइडिया है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो आने वाले दिन में हमें पता चलेगा। और भी कुछ देखते हैं कि बजट में नए आइडियाज क्या हैं। छोटे निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश की सहूलियतें मिल रही हैं। सरकारी बॉन्ड को लेकर इस बजट में निर्मला जी ने काफ़ी अहम बातें कही हैं। शायद सरकार को और पैसे चाहिए, इस वजह से वो सरकारी बॉन्ड को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हैं। लेकिन आम जनता के लिए भी इससे सहूलियत ये होगी कि सरकारी बॉन्ड जो है वो उनको खरीद कर। हाँ, ये एक नया आइडिया ये है कि आमतौर पर क्या होता था कि अभी सरकारी सिक्योरिटी, मतलब जो सरकार पैसा बाजार से उठाती थी, ये आमतौर पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही खरीदते थे। एक तो बैंक, क्योंकि बैंक के लिए तो ज़रूरी भी है कि एक अपनी रकम का एक हिस्सा सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाएं। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये सरकार ने कर दिया है कि जो रिटेल निवेशक हैं ये भी सरकारी बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। रिटेल निवेशक को इससे, छोटे निवेशकों को इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको कम जोखिम वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक विकल्प मिल जाएगा कि सरकारी बॉन्ड में वो पैसा लगा सकते पैसे हैं। डूबेंगे नहीं, पैसे जितना कमिट होगा उतना मिलेगा, उतना तो मिलेगा ही। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये होता है कि जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो उसमें एक्स्ट्रा आपको फायदा भी मिल सकता है। तो एक ये नया आइडिया है कि सरकारी बॉन्ड्स को किस तरीके से ज्यादा मात्रा में। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है कि सरकार ने ये कहा है कि ये भी देखिए इम्प्लीमेंटेशन में इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह की लिस्टिंग होती है, उसी तरह जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या जो वॉलंटियर हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये पैसा जुटाने के लिए ये लिस्टिंग करा सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि जो शेयर मार्केट में जैसी लिस्टिंग होती है, जैसे कोई एक कंपनी जो एनजीओ चलाती है, तो ऐसे लोग जो आमतौर वॉलंटरी उसके लिए पैसा देते हैं या लगाते हैं, वो ऐसी कंपनियों के में हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। तो इन कंपनियों के पास फ़ायदा ये होगा कि इनको फंड जुटाने में आसानी होगी, लोगों को सेटिस्फैक्शन ये होगा कि यार हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या समाज में कोई काम कर रहा फ़ायदे उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो दोनों के लिए रहेगा।
और इससे ऑब्वियस है कि सोसाइटी को फायदा होगा, तो ये एक अच्छा कुल मिलाकर जो नए आइडियाज हैं सरकार लेकर आई है उसका स्वागत होना चाहिए। स्टार्टअप्स को लेकर भी बहुत सारे नए आइडियाज लेकर सरकार आई है और कारोबारियों को टैक्स मुकदमे खत्म करने के विकल्प भी सुझाए गए हैं ताकि जो पेंडेंसी है इतने कोर्ट कोर्ट में वो कम से कम खत्म हो। लेकिन खास बात यह है स्टार्टअप से हम शुरू करेंगे। स्टार्टअप को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी योजना, बहुत महत्वाकांक्षी बातें इस बजट के अंदर कही। सबसे इम्पोर्टेंट इस बजट को अगर हाईलाइट जो है इस बजट की कहा जाए तो स्टार्टअप ही है। इसके लिए सरकार ने ये कहा है कि बजट में एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बड़ा क्रांतिकारी तो फैसला किया नहीं है। कहने को ये है कि स्टार्टअप के लिए ही हमने इतना कुछ कर दिया है कि उससे नए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आसानी होगी। तो एक जैसे किया है कि बड़ा इशू था कि टैक्स को लेके जो एंजल इन्वेस्टर थे जो स्टार्टअप में पैसा लगाते थे जो लोग, इनको हमेशा इशू ये होता था कि जब ये इनको फ़ायदा होता था तो उस फायदे पे इनकम टैक्स की नज़र लग जाती थी। इनकम टैक्स के पिछले साल बहुत नोटिस भी गए हैं बिल्कुल कि आपने इस स्टार्टअप से इतना पैसा कमाया है, क्यों कमाया, ये डिफरेंस कैसे आया और इसका आपने टैक्स क्यों नहीं पटाया। तो एक ये वाले इशू को एड्रेस किया है कि आप कह दिया है वित्त मंत्री ने कि इस मुद्दे पर इस एंजल इन्वेस्टर से किसी किस्म की कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगी, उस पर स्क्रूटनी नहीं होगी, मतलब एक बहुत बड़ा इशू सॉल्व हो गया। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए एक नया चैनल लाने की बात की गई है, स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी जो वाले बिल्कुल है, नया इन्वेस्टमेंट चैनल आएगा दूरदर्शन के अधीन होगा ये और स्टार्टअप ही चलाएगा और उसको स्टार्टअप ही चलाएगा, ये भी देखने योग्य चीजें हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट में जो नया आइडियाज हैं उसमें स्टार्टअप को लेकर बहुत बड़ी बातें की गई हैं। आप आज ही के दिन ये सोच सकते हैं कि स्टार्टअप अपना शुरू करें। और बजट में जो नया आइडिया है वो यही है कि पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आधार से आप अपना ITR भर सकते हैं और साल भर में 1 करोड़ रुपये कैश निकालने पर 2% टैक्स लगेगा। हाँ, ये दो इशू जो अच्छे किए हैं ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए है। लेकिन उसके पहले वाला एक इशू मैं आपको बता दूं कि एक और जो कारोबारियों के लिए फ़ायदा देने की बात ये हो सकती है कि सरकार का कहना था कि लाखों मुकदमे कोर्ट में पड़े हुए हैं जो सरकार और कारोबारियों के बीच डिस्प्यूट को लेके हैं। अब एक तरह से उनने एक ऑफर दिया है कि ये हम GST आने के बाद इन डिस्प्यूट का मतलब नहीं है, हम एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भी वन टाइम सेटलमेंट जैसा कुछ होगा या कोई एक तरीका निकाला जाएगा कि दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा झुक के इस मुकदमेबाजी को ख़त्म करें। तो एक ये होगा। दूसरा पैन कार्ड वाला एक अच्छा इशू है कि यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो उससे काम चल जाएगा, पैन कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये हुआ है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कि अगर कोई कंपनी साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालती है तो उसको 2% टैक्स लगेगा ताकि वो कैश का लेन देन कम करे और डिजिटल इकोनॉमी पे ज़्यादा जाए। दो और छोटे छोटे नए आइडिया हैं, एक तो रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा जी। और इसमें उन्होंने कहा कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं इन सब ये सब जो रिसर्च का पैसा जितना खर्च करते हैं वो सब मिला के एक फंड बनाया जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि युवाओं को रिसर्च में जो युवा लगे हैं उनके लिए एक नया विकल्प, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसमें चूंकि रिसर्च में हमेशा ये होता है कि ग्लोबल कनेक्शन भी आ जाता है तो बाहर की कंपनियां आएंगी तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। तो एक बहुत वैज्ञानिक वगैरह जो पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं उनको एक्स्ट्रा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण जी ने जो आज आम बजट पेश किया, मोदी सरकार 2 का पहला आम बजट, उसमें नए आइडियाज़ को लेकर बहुत कुछ कहा है उन्होंने। और ये हम प्लेट फिर देख रहे हैं कि आयकर देने वालों का इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट होगा, नया रेंटल कानून और ज़ीरो बजट खेती की चर्चा हम पहले इसमें कर चुके हैं। ये सब कुछ ऐसे नए आइडियाज़ हैं जिसका स्वागत होना चाहिए और इन नए आइडियाज़ को कितनी जल्दी सरकार इम्प्लीमेंट कर पाती है, कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है और इसका लाभ आम जनता तक पहुंचता है, ये इस बात का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस कैप्सूल में इतना ही। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com।
एक ऐसा मंच जहां हम सत्य को तलाशते हैं और सत्य को आप तक पहुंचाते हैं, खबरों की परत दर परत नीचे जाते हैं और उसमें छिपे असली सत्य को उजागर करते हैं। आप हमें YouTube और Facebook पर देख सकते हैं, हमें लाइक करिए, हमें फॉलो करिए, हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे उसे शेयर भी करिए। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।